पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में बड़ी जानकारी न्यूज 11 के हाथ लगी है। एसएआर कोर्ट जहां 2100 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, वहां हेमंत सोरेन से जुड़े मामले को महज 15 दिनों के अंदर निपटा दिया गया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी जिस जमीन की जांच ईडी कर रही है, उस जमीन पर एसएआर कोर्ट ने निपटारा सिर्फ 15 दिन के भीतर कर डाला। 15 दिनों में से यार अधिकारी ने निपटा दिया था केस। ईडी की जांच में यह बात खुलकर सामने आई है। एसएआर कोर्ट में 9 जनवरी को आया था मामला और 20 जनवरी को 29 जनवरी को इस मामले में फैसला भी आ गया था, ठीक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के एक दिन पहले। 31 जनवरी को हेमंत गिरफ्तार हुए थे, इस दौरान सिर्फ 15 दिन ही कार्य दिवस थे, 5 दिन सरकारी अवकाश के थे। ये बहुत बड़ी खबर है, ध्यान देने लायक बात है। एसएआर कोर्ट में फिलहाल 2100 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। कई मामले झारखंड गठन से पहले के हैं, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। एसएआर पदाधिकारी मनीषा तिर्की का बयान है, तत्कालीन अपर समाहर्ता राजेश बरवार के निर्देश पर की गई थी सुनवाई और 15 दिनों में कर दिया गया था फैसला, रिस्टोर भी कर दिया गया। ईडी ने इसको आधार बनाया है अपनी चार्जशीट में। 8.86 डिसमिल जमीन, जिस जमीन का मामला है, जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन जेल में बंद है, उस जमीन पर जमीन वापसी के मुकदमे पर सिर्फ 15 दिनों में से आर कोर्ट ने सुनवाई करके फैसला सुना दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।